हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो और कोकोनट से बनने वाले लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू आप किसी भी मौके पर बनाकर खा सकते हैं और फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। पर बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन बटन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर के डालूंगी। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 कप जो है कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट के डालूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करूंगी। इसको ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी नीचे लग जाता है। 2 मिनट तक ही मैं इसको रोस्ट करूंगी, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क का डालूंगी, 1/2 कप मैंगो प्यूरी का डालूंगी, 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पे मैं येलो फूड कलर के ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, इसको अब बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। इसने पैन को छोड़ दिया है तो इसको मैं एक प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसको लड्डू का आकार दे दूंगी। आप इसको बड़े छोटे जैसे भी आपकी इच्छा उसी तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसको मैं ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इसकी कोटिंग करूंगी। इससे ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा 5 मिनट में लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।